संस्कृत से अपनी धरोहर से अपने इतिहास से अपने परंपराओं से जुड़ने का एक अवसर प्रदान करता है। इस महाविद्यालय के इस प्रांगण में राम सभागार में हमारे मुख्य अतिथि महोदय उपस्थित हो चुके हैं। मैं सभी अतिथियों से आग्रह करता हूं कि दीप प्रज्वलित कर और माँ भारती जानकी देवी माँ सरस्वती और गुरु श्री गोरक्षनाथ महाराज जी के चित्रों पर और दूसरी तरफ आदरणीय महंत श्री देवेंद्रनाथ जी महाराज श्री अवैधनाथ जी महाराज और हिंदू आचार्य महाराज प्रताप के चित्रों पर कुछ प्रतीत कर इस कार्यक्रम को शुरुआत करें, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। पुष्पांजलि अर्पित करते हुए अतिथिगण प्राचार्य जी सभी अतिथियों से आग्रह है कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सरस्वती वंदना के लिए महाविद्यालय की छात्राओं दीक्षिता गुड़िया और सुनीता को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। Thank you.
एक बार पुनः आप सभी का इस सत्र में समावर्तन संस्कार में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हमारे भी मुख्य अतिथि के रूप में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय प्रोफेसर पूनम टंडन जी उपस्थित हैं। मैं उनका महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आप सितंबर 2023 के इस पद को सुशोभित कर रहे हैं और आपके निर्देशन में विश्वविद्यालय दिन प्रतिदिन विकास के नए आयाम की ओर बढ़ रहा है। इसके पूर्व आप लखनऊ विश्वविद्यालय में डीन ऑफ एकेडमिक, डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर और भौतिकी विभाग के अध्यक्ष रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में सुधार के लिए आपने उत्तर प्रदेश सेंटर फॉर रैंकिंग एक्रेडिटेशन एंड मेंटरिंग के महानिदेशक के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2.5 दर्जन से अधिक पुस्तकों के लेखन में आपका विशेष योगदान रहा है। 250 से अधिक शोध पत्रों का प्रकाशन विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में हो चुका है। आपके निर्देशन में 30 शोध छात्रों ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है, 8 एमफिल की डिग्री प्राप्त की है और अनेक पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप की उपाधि आपके निर्देशन में शोध छात्रों ने प्राप्त की है। आप तो अनेकों बार अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप भी प्राप्त हुए हैं, जिसमें फुल ब्राइट नेहरू फेलोशिप, भारत और अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से संचालित एजुकेशनल फाउंडेशन एंड फुल ब्राइट कमीशन द्वारा फ्लेक्स अवार्ड, जर्मनी से एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट रिसर्च फेलोशिप, अमेरिकी नेचर पब्लिशिंग ग्रुप अवार्ड आदि प्रमुख हैं जिनसे आप सम्मानित हैं। इसके अलावा आपको फ्रांस, जर्मनी, जापान, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनेकों एकेडमिक पुरस्कारों से नवाजा गया है। आपको इस प्रांगण में पाकर यह पूरा महाविद्यालय हर्षित और आह्लादित है। इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के कुलपति प्रोफेसर ज्योति सैनी जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आप सितंबर 2023 से मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं और आपके निर्देशन में यह विश्वविद्यालय दिन प्रतिदिन नए आयाम को छू रहा है। इसके पूर्व आप नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में 5 वर्षों तक अपनी सेवा प्रदान की है और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति का भी अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। 2017 से 2018 तक आप नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक भी रहे हैं। दिव्यांग लोगों के लिए संचालित डॉक्टर अम्बेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के आप 2 बार निदेशक भी रह चुके हैं। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसे पहले मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता था, उसके आप प्राचार्य भी रह चुके हैं और इसके दौरान ही आपने राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला था। आप बुंदेलखंड अभियंत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन विभाग में प्रोफेसर भी रह चुके हैं। आपके द्वारा 200 से अधिक शोध पत्र विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आपके निर्देशन में लगभग 3 दर्जन से अधिक शोधार्थी पीएचडी और एमटेक की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। आज विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच इस महानगर के गोरखपुर के पूर्व मेयर और उत्तर प्रदेश महिला आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी जी उपस्थित हैं। मैं उनका भी महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। इसमें महाविद्यालय के पुरातन छात्र के रूप में उपस्थित धीरज कुमार बर्मवाल जी प्रवक्ता रसायन विज्ञान, ज्ञानेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालगंज बिहार का भी मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आप 2020-21 बैच के इस महाविद्यालय के बीएड के विद्यार्थी रहे हैं। अब मैं
इस महाविद्यालय के यशस्वी प्राचार्य जिसे आग्रह करता हूँ कि सभी सम्मानित अतिथियों का स्मृति चिन्ह एवं पुस्तक देकर सम्मानित करने का प्रयास मान समिति के पास है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं महाविद्यालय की छात्रा दीपशिखा गुड़िया और सोनिका को कुल गीत के लिए आमंत्रित करता हूँ।
श्री गोरक्ष पीठ द्वारा स्थापित 1932 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अंतर्गत संचालित महाराणा प्रताप महाविद्यालय जंगल भूषण के 17वें समावर्तन समारोह के अध्यक्षता कर रही दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति डॉक्टर पूनम टंडन जी, आज के सारस्वत समारोह के मुख्य अतिथि महामना मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश सैनी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हम सबके परिवार के ही सदस्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजू चौधरी जी, पुरातन छात्र परिषद के सदस्य श्री धीरज कुमार बर्नवाल जी, संचालन कर रहे रमाकांत जी, और इस समारोह में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित गुरु श्री गोरखनाथ चिकित्सालय के पूर्व निदेशक ब्रिगेडियर जेपीवी सिंह जी, प्रोफेसर आर डी राय जी, प्रोफेसर शोभा गौड़ जी, डॉक्टर कुशल नाथ जी, आप सभी का आज के इस समारोह में महाविद्यालय परिवार की ओर से, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज का यह समारोह हमारे महाविद्यालय का बहुत पवित्रतम समारोह है। यह समारोह हम 2008 से कर रहे हैं। पहला बैच हमारा 2008 में निकल रहा था, तब से यह समारोह हम आयोजित कर रहे हैं। ये 17वां समावर्तन संस्कार समारोह है, क्योंकि महाविद्यालय का शुरू से ही उद्देश्य रहा है कि हम शिक्षा और संस्कार साथ लेकर चलते हैं, क्योंकि ये महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का उद्देश्य रहा। ऐसे में पहले ही दिन से हमने ऐसे तमाम आयोजनों को, आज जो अत्याधुनिक आयोजन है उनका भारतीकरण किया, जो भारतीय आयोजन थे उनको उस रूप में स्वीकार किया। तो ये समावर्तन संस्कार समारोह भी हमारा पूर्ण रूप से भारतीय समारोह है, भारतीय संस्कृति का समारोह है, लेकिन आधुनिक विश्वविद्यालयों ने दीक्षांत समारोह के रूप में इसको परिवर्तित किया था। हमने उसका फिर भारतीयकरण करके अपने संस्था में से हम संचालित कर रहे हैं। इसलिए इसकी तिथि तय करते समय और इसके अतिथि तय करते समय हम इस बात के लिए सावधानी बरतते हैं कि ये समारोह हमारा तिथि के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण तिथि पर हो और अतिथि भी हमारे उपदेश देने वाले, अपने जीवन से उपदेश देने वाले हों। इसलिए आप 2008 से लेकर अब तक के हमारे अतिथियों की श्रृंखला देखेंगे, समारोह की तिथि देखेंगे। सामान्यतः जब तक हमारे वार्षिक पाठ्यक्रम चलते थे, हम ये आयोजन बसंत पंचमी के आसपास की तिथियों में करते थे। इस बार सेमेस्टर का पूरा सत्र शुरू हो रहा है, मैंने पूर्ण हो रहा है, पहला पूरा पूर्ण रूप से सेमेस्टर का सत्र पूरा हो रहा है। परीक्षाओं के कारण ये तय नहीं हो पा रहा था कि हमारा समावर्तन संस्कार समारोह हम कब कर पाएं। इस बीच में जब दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी ने घोषित किया कि 15 अप्रैल से हमारी परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, तो उसको देखते हुए आज की तिथि हम लोगों ने निर्धारित की। आज की तिथि आप अनुमान कर सकते हैं, पूरा देश 9 वर्ष मना रहा है। शक्ति की अधिष्ठात्री देवी के चैत्र नवरात्र का पर्व चल रहा है। हम 3 दिन बाद रामनवमी का पर्व मना रहे होंगे और आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती है। इस पावन तिथि पर हम आज समावर्तन संस्कार समारोह कर रहे हैं। अगले सत्र से ये समारोह लगभग इस तिथि के आसपास होने लगेगा। परीक्षा को देखते हुए, अपने सत्र को देखते हुए, सत्र की पढ़ाई को देखते हुए, इस समारोह की जो हमारी अपनी परिकल्पना शुरू से रही है कि हम परीक्षा के प्रश्न शुरू से रहा है, क्योंकि माननीय कुलपति जी हमारे इस आयोजन में पहली बार हैं, वो इस परिवार की मुखिया हैं, इसलिए मैं 2 मिनट में यह अपने समावर्तन संस्कार के बारे में आपके संज्ञान में मैं लाना चाहूँगा कि हम जब दीक्षांत समारोह देते हैं तो हम डिग्री देते हैं। हमारा समावर्तन संस्कार समारोह परीक्षा के ठीक पहले होता है, यानी ये वो विद्यार्थी है जो हमारे वहाँ से शिक्षा पूरी करके अब वो अगली परीक्षा देकर के यहाँ से जा रहा होगा। तो हम अपने 3 वर्ष तक, 5 वर्ष तक जो भी विद्यार्थी, या 2 वर्ष तक केवल पीजी की पढ़ाई किया है तो 2 वर्ष किया हुआ, यूजी पीजी दोनों किया है तो 5 वर्ष किया है, केवल यूजी का किया हुआ का तो 3 वर्ष, जो विद्यार्थी हमारे यहाँ से पढ़कर अब जाने वाला है, हम उसे एक संकल्प के साथ
हम उसे एक अपने आशीर्वचन के साथ, हम उसे एक मिशन के साथ यहाँ से विदा करते हैं। और ये समावर्तन संस्कार समारोह हमारे पढ़ाई और संस्कार की पूर्णता के दीक्षा का समारोह है, ये डिग्री का समारोह नहीं है, इसलिए हम परीक्षा के ठीक पहले करते हैं। आज के इस अवसर पर हम अपने उन तमाम विद्यार्थियों को पुरस्कृत करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से जो प्रतीक के रूप में ये पुरस्कार और सम्मान होता है। महाविद्यालय 2010 से जब अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नहीं आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रादुर्भाव भी नहीं था, हम पुराने पैटर्न पर चल रहे थे, तब यह महाविद्यालय, जबकि किसी को प्रमाण पत्र चलाने के लिए हम कोई बहुत वैधानिक रूप से डिग्री नहीं देते, तब हम 2010 से दो प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम चला रहे हैं, यानी कि श्रेष्ठतम जीवन मूल्य का और हमारे पूर्वज के दो प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम हम 2010 से चला रहे हैं। हमारे संस्था का, महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का रहता है कि हमारी संस्था चाहे जिस भी क्षेत्र में रहे, वहाँ के गांव के लिए, वहाँ के समाज के लिए उसे कुछ करना चाहिए, और सामाजिक सहभाग ये 1932 से चल रहा है। तो हम, हमारी संस्था ने इसके लिए दो अभियान चलाए, एक को निःशुल्क सिलाई कढ़ाई का केंद्र बनाया अपने वहाँ, और दूसरा मिशन मंझरिया को शुरू किया, यानी पूरे एक गाँव को गोद लिया और उस गाँव में शिक्षा और स्वास्थ्य का काम हम 2010 से कर रहे हैं। इस बीच में कुछ जो अगल बगल के बच्चे हैं, उन बच्चों को कंप्यूटर पर खेलने का अवसर मिल जाए, क्योंकि हम जिस क्षेत्र में हैं यहाँ बहुत गरीब जनता रहती है यहाँ, यानी हम भी जब छोटे थे कभी यात्रा करते थे तो उस समय अगर कोई बगल में लैपटॉप ये रखता था तो इच्छा रहती थी कि एक बार देखें क्या होता क्या है। तो मुझे लगा कि यहाँ के बच्चे कम से कम कंप्यूटर देख लें, खेल लें, इसलिए कक्षा 8 तक के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण का एक हम 80 विद्यार्थियों के दो बैच हम चलाते हैं, ये 2012 से हम चला रहे हैं। संगीत प्रशिक्षण प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, आपदा प्रबंधन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम, ये प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आने के बाद हमने उस पैटर्न पर दिए हैं। तो इनमें से जो भी श्रेष्ठतम विद्यार्थी है उनको हम यहाँ से सम्मानित करते हैं। सामान्यतः सिलाई कढ़ाई और कंप्यूटर तो वो हम लोग फोकस पर इसलिए रहते हैं, उसमें गांव के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो सिलाई कढ़ाई में हम श्रेष्ठतम प्रतिभागी को अब तक सिलाई मशीन देते रहे हैं। इस सत्र में क्योंकि हमने अपने सभी प्रशिक्षार्थियों को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के सौजन्य से सबको सिलाई मशीन दे रखा है, इसलिए वो पुरस्कार इस सत्र में बदल करके सिलाई किट के रूप में आ रहा है। कंप्यूटर प्रशिक्षण के बच्चों में से जो श्रेष्ठतम होता है उसको साइकिल शुरू से देते हैं, इस बार भी साइकिल उसको, उस बच्चे को उपलब्ध होगा। ऐसे में इतने पुरस्कारों के साथ हम बाकी अपने उन विद्यार्थियों को जिसके लिए समारोह आयोजित है, हम उन्हें संकल्प के साथ यहाँ से विदा करने का संकल्प करते हैं। मैं अपने उन सभी विद्यार्थियों को जो अपनी शिक्षा यहाँ से पूरी करके 3 साल में हमसे जो कुछ भी अच्छा सीख करके जाने को तैयार है, उन्हें मैं हार्दिक शुभकामना देता हूँ, और इस बात के लिए आग्रह करता हूँ कि महाविद्यालय परिवार में कुछ भी ऐसा हुआ होगा जो आपको लगे कि ये ठीक नहीं है, उसे यहीं छोड़कर जाना है, जो लगे कि आपके जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है उसे लेकर के जाना है। इस आग्रह के साथ मैं एक बार फिर अपने सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भारत माता की जय। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब महाविद्यालय द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों और प्रकल्पों में सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी, सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में मैं सहभागियों को आमंत्रित करने जा रहा हूँ। वो क्रम से बारी बारी आएंगे और अपना प्रमाण पत्र और पुरस्कार प्राप्त करेंगे। जीवन मूल्य के लिए श्रेष्ठ विद्यार्थी योगी गोरखनाथ सम्मान के लिए सुश्री कीर्ति कश्यप जी आ जाए। मुख्य अतिथियों से आग्रह है कि इनको प्रमाण पत्र देकर के इनका सम्मान करें। अगले विद्यार्थी श्री आशीर्वाद कश्यप जी, हमारे पूर्वज के श्रेष्ठ विद्यार्थी, मान से विजय नाथ सम्मान से इनको सम्मानित किया जा रहा है। अतिथियों से आग्रह है कि इनको प्रमाण पत्र देकर के सम्मानित करें। सिलाई कढ़ाई के श्रेष्ठतम प्रशिक्षु योगराज बाबर प्रदीपनाथ सम्मान, सुश्री ज्योति भारती जी आकर के सिलाई कढ़ाई किट प्राप्त करें। निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण के श्रेष्ठतम प्रशिक्षु चेतक सम्मान के लिए अविनाश प्रसाद जी साइकिल
उनको प्रदान किया गया है, आकर के सम्मान प्राप्त करें। सचिन अविनाश प्रसाद जी, कॉस्मेटोलॉजी एंड सेल्फ केयर प्रमाण पत्र कार्यक्रम के लिए सम्मान देने के लिए श्री निर्मला प्रजापति जी आए और सम्मान प्राप्त करें। संगीत प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के लिए श्रेष्ठ प्रशिक्षु माता भारती सम्मान प्रांशु मिश्रा आए और सम्मान प्राप्त करें। शुरू से निर्मला प्रजापति जी सम्मान प्राप्त करते हुए आप सभी लोग तालियों से इसका स्वागत करें। संगीत प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के श्रेष्ठ प्रशिक्षु माता भरंदी सम्मान प्रांशु मिश्रा जी को दिया जाता है। आप सभी लोग इनका तालियों से सम्मान करें। आपदा प्रबंधन प्रमाण पत्र के लिए सोमनाथ शर्मा सम्मान श्री कमलेश यादव को जाता है। आप तालियों से इनका भी स्वागत करें। विधानसभा बोर्ड के गाँव मंजरिया मिशन मंजरिया के अंतर्गत जन जागरण प्रसार चलाए जा रहे अभियान मिशन मंजरिया के सभी सेवावर्ती के प्रमाण पत्र लेने के लिए मिशन मंजरिया के प्रभारी श्री आशीर्वाद कश्यप जी को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ कि आकर के वे सभी सेवावर्तियों का प्रमाण पत्र प्राप्त करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं महाविद्यालय के वर्ग जीत के लिए विद्यार्थी अभिषेक कुमार को आमंत्रित करता हूँ। अभिषेक कुमार
आगे बढ़ाते हुए मैं महाविद्यालय के प्राचार्य से समावर्तन उपदेश और संकल्प के लिए बातें करता हूँ। समावर्तन उपदेश सत्यम अवध धर्म चर स्वाध्यायान्नान प्रमदः सत्यान प्रमदितव्यम धर्मान प्रमदितव्यम कुशलान प्रमदितव्यम भूतये न प्रमदितव्यम स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमदितव्यम मातृ देवो भव पितृ देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव यान्यन वद्यानि कर्माणि तान सेवितव्यानि सत्य बोलना धर्म का आचरण करना स्वाध्याय में प्रमाद न करना सत्य से न हटना धर्म से न हटना कुशल कार्य में प्रमाद न करना महान बनने के सुअवसर से न चूकना पठन पाठन के कर्तव्य में प्रमाद न करना देवता और पितरों के कार्य से प्रमाद न करना माता को देवी समझना पिता को देवता समझना आचार्य को देवता समझना अतिथि को देवता समझना अन्यान दोष रहित कार्यों को करना संकल्प मैं संकल्प लेता हूं कि इस उपर्युक्त समावर्तन उपदेश का पालन करूंगा जीवन में शुचिता एवं ईमानदारी के साथ पारिवारिक एवं सामाजिक जीवन के उत्तरदायित्वों का निर्वाह करूंगा मैं भारत का एक योग्य नागरिक बना रहूंगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति मेरी निष्ठा रहेगी मैं कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे राष्ट्र की एकता अखंडता को चोट पहुंचे मैं कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरे माता पिता तथा सगे संबंधियों की कीर्ति भूमि हो भारत की सनातन संस्कृति में मेरी अटूट निष्ठा बनी रहेगी भारतीय जीवन मूल्यों का सम्मान करते हुए उसके संवर्धन हेतु सदैव प्रयत्नशील रहूंगा और अपने व्यक्तिगत जीवन में उनका पालन करूंगा भारत माता की जय समावर्तन उपदेश संकल्प के पश्चात मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए संकल्प गीत के लिए महाविद्यालय के छात्राओं से शिक्षा गुड़िया और
बताते हुए इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर नीति सैनी जी को उद्बोधन के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर पूना पूर्व मेयर डॉक्टर अली चौधरी इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप रावत जी डॉक्टर रमाकांत दुबे जी पुरातन छात्र धीरज जी हैं। कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अतिथिगण शिक्षकगण कर्मचारीगण एवं समस्त छात्र आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जैसा राव साहब ने कहा कि आज नववर्ष है, तो मैं सोचने लगा नववर्ष मुझे याद आया आज मलयालम कैलेंडर के हिसाब से तमिल और मलयालम का नववर्ष आज से ही प्रारंभ होता है। आप सभी को मिलियन नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये वास्तव में मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि मुझे आज कुछ सीखने को मिला है, क्योंकि ये कार्यक्रम जिसमें मैं आज उपस्थित हुआ हूँ मुझे प्रथम बार देखने को मिला है। अदरवाइज तो फेयरवेल तो इंस्टीट्यूशंस में होते हैं, बट इतना सुंदर नाम और आप सबको इतने सुंदर यूनिफॉर्म में देख कर मुझे बहुत ही आनंद हो रहा है। मैं सबसे पहले प्राचार्य महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज मुझे आमंत्रित कर कुछ सीखने का अवसर दिया। मैं अपनी बात कलाम साहब के एक बहुत ही फेमस कोर्स से सुन रही हूँ, क्योंकि ये अब आपका एक तरह से विदाई समारोह है। इसके बाद आप अपने एग्जाम्स देंगे और रिजल्ट्स वगैरह लेके आप अपने कर्म क्षेत्र में जाएंगे। कुछ लोग हायर स्टडीज के लिए जाएंगे, कुछ लोग जॉब के लिए जाएंगे। कलाम साहब ने कहा है, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान मिलती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो ये हौसले ही हैं। आपको बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी अपने जीवन में। अभी तक तो आप अपने माता पिता पर निर्भर रहे हैं, अब आप कर्म क्षेत्र में जब जाएंगे तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना। कई बार आप असफलता का भी एहसास करेंगे, लेकिन असफलता ही सफलता की कुंजी है। सफलता का आनंद आप तब तक नहीं ले सकते जब तक कि आप स्वयं कभी असफल ना हुए। इसलिए असफलताओं से घबराना नहीं है। आपको जीवन में सूरज की तरह चमकना है। सूरज की तरह चमकने के लिए आपको सूरज की तरह जलना भी होगा। इस बात का ध्यान रखें कि आप अब अपने कर्म क्षेत्र में जा रहे हैं, आपको समाज ने जो कुछ दिया है, आपके परिवार ने जो कुछ दिया है, अब वो समय शुरू होगा जब आप उस ऋण से मुक्त होंगे। आप अपने परिवार पर, अपने माता पिता पर, अपने साथियों पर, अपने मित्रों पर, सब पर जो भी आप कर सकते हैं आपको अपने जीवन में करना चाहिए। अभी प्रोफेसर राव साहब ने जो चीज़ें बताई, आपकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आप 2008 से ही कर रहे हैं, वो अब नई शिक्षा नीति का अंग है। इसका मतलब है कि आप नई शिक्षा नीति को तो शुरू से ही आप अंगीकार कर चुके थे। आप नई शिक्षा नीति के अनुरूप जो भी नई शिक्षा नीति में गाइडलाइंस दी हूँ, उसका तात्पर्य ही यही है कि आप जो भी मानव मूल्य हैं उनकी रक्षा करें, क्योंकि वही आपके जीवन का आधार है। शिक्षा से आप जो रोजगार पाते हैं, वो रोजगार
एक जीवन के लिए साधन है, पर शिक्षा का मूल्य उद्देश्य वह नहीं है। शिक्षा का मूल्य उद्देश्य तो मानव मूल्यों की रक्षा करना है। और आप सभी, मुझे ऐसा निश्चित रूप से आज ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं गुरुकुल में पढ़ा, क्योंकि गुरुकुल की कल्पना किताबों में पढ़ते रहे, बस आप सबको देखकर ऐसा लग रहा है। तो आप निश्चित रूप से अपने महाविद्यालय का नाम हमेशा आगे रखेंगे, ऊंचा करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज आप जिस महाविद्यालय से पढ़ कर निकल रहे हैं उसके संरक्षक माननीय मुख्यमंत्री जी, तो ये बहुत बड़ी चीज है। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। मैं जब कहीं जाता हूँ तो मैं बताता हूँ कि मैं, मतलब यहाँ जब से मैंने ज्वाइन किया है कि मैं गोरखपुर से आया हूँ, पहला लोगों का प्रश्न और पहला आदर भाव उनकी महाराज जी की वजह से आ जाता है कि लोग, अच्छा जहाँ से आपके मुख्यमंत्री जी, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी पहचान बन रही है, ना सिर्फ राष्ट्रीय पटल पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी आपकी एक पहचान बनने लगी। हमेशा जो भी आप कर रहे हैं, जो भी आप एम्प्लॉयमेंट में, जो भी आप कुछ शिक्षण संस्थान में आगे आप स्टडीज के लिए जाएंगे, क्योंकि कुछ लोग पीएचडी के लिए जाएंगे, कुछ लोग मास्टर्स के लिए जाएंगे, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए कि ह्यूमन वैल्यूज जो आप पढ़ के निकल रहे हैं, जो यहाँ सीख के निकल रहे हैं, उसको कभी नीचे मत करिए, क्योंकि यहाँ पर आपने जो कुछ सीखा है वो आपका जीवन पर्यंत रहने वाला है। ये नाम आपके जीवन के साथ जुड़ गया है कि कहाँ से आपने स्नातक किया है, कहाँ से परास्नातक किया है, तो ये जीवन का अंग हो गया है आपके। आज मैं ये जरूर जिक्र करना चाहूँगा, आज संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है, तो आप सभी को समानता दिवस के लिए भी हार्दिक बधाई। अच्छा, समानता तो आपने दिख ही रही है, आप सब एक ही यूनिफॉर्म में हैं, यही समानता है। आज के दिन बाबा साहब का जन्म हुआ और उन्होंने बहुत अधिक नहीं, लगभग 65 वर्ष तक ही हो रहे हैं, तो लंबी उम्र से कुछ नहीं होता है, बट उन्होंने जो लिख दिया है, संविधान का निर्माण किया है, जब देश स्वतंत्र हुआ, आप सोचिए ना कि सिर्फ हाथ से लिखा जाता है, पूरा संविधान हाथ से लिखा गया, ओरिजिनल कॉपी। तो आप सोचिए कि कितना कठिन रहा होगा उस समय, बट वो आगे बढ़े और आज हर कोई उन्हें जानता है। आपकी भी अपनी पहचान बने, ऐसी मेरी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को पुनः समावर्तन आपकी संस्था 2024 के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर पूर्णानंद सिंह से आग्रह करता हूँ, आप सभी को मेरा नमस्कार। हमारे बीच में मंच पे मुख्य अतिथि के रूप में मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं प्रोफेसर सैनी जी को सर आपका बहुत बहुत विश्वविद्यालय की ओर से अभिनंदन। और हमारे बीच में मैडम चौधरी हैं जो कि वुमेन आइकन ऑफ द गोरखपुर हम कह सकते हैं। मैडम आपका भी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत। और हमारे पुरातन छात्र विश्वविद्यालय यहाँ के महाविद्यालय के पुरातन छात्र के बरनवाल की हैं, तो आपकी उपस्थिति एक, आपने एक रोल मॉडल दिया है कि पुरातन छात्र को भी इस तरह के आयोजन का भाग बनाना, वो हम लोग भी फॉलो करेंगे, प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये, क्योंकि वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं और एक बड़ा मैसेज लेके जाते हैं, समाज मैसेज देते हैं। उसके बाद प्रोफेसर प्रदीप राव जी हमारे बीच में हैं और जो संचालक हैं उनकी तो ऊर्जा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। सर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में कुछ हमारी यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं और महाविद्यालय के हैं और आप और हमारे प्रिय छात्रों, देखिए बहुत बड़ा दिन होता है छात्र के जीवन में आज,
जो आपने नाम दिया है इस दिवस का वो भी बड़ा यूनिक का है, कन्वोकेशन को जो हम ब्रिटिश परंपरा को फॉलो करते हैं ड्रेस से लेकर हर चीज़ को, तो एक अपनी भारतीय पहचान ये देना तो आपको भी एक बहुत अच्छा, फिर कहते हैं एक रोल मॉडल प्रस्तुत करा है और महाविद्यालयों के लिए वो इसको फॉलो करें इस तरह की चीज़ को। और ये समारोह बड़ा इम्पोर्टेंट है और जैसा कि अभी सैनी जी ने कहा ये वैसे भी महाविद्यालय की अपनी पहचान है क्योंकि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना एक कॉलेज है, तो हमारा हर छात्र जब बाहर जाएगा और जैसा आचार व्यवहार करेगा उसका उसको एक ऐसा रोल मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए कि वो एक आइडियल व्यवहार है और लोग उसको फॉलो करें। तो आप लोगों की जिम्मेदारी और छात्रों से कहीं ज़्यादा समाज में बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप कहते हैं ना किस जो आपकी मानवता संस्था के आप विद्यार्थी हैं और आप बाहर जाते हैं, क्योंकि समाज सामाजिक दायित्व में भी संस्था बहुत कार्य कर रही है, 50 से अधिक स्कूल कॉलेजेस हैं, उसके अलावा गांव में और एक बड़ा बड़ा औरा है इस संस्था का। तो मेरा मानना है कि आप लोग ऐसा आचार व्यवहार करें कि संस्था का नाम आगे रोशन करें और दिखाएं कि संस्था कैसी है और यहाँ से विद्यार्थी कैसे निकलते हैं। प्रोफेसर सैनी ने भी यह बात कही कि जैसे आपका जो आपके साथ आपके माता पिता का नाम जुड़ा होता है वैसे ही आपके साथ आप जहाँ से पढ़ाई करते हैं वो नाम जुड़ा होता है, उसको आप कभी अपने से अलग नहीं कर सकते। जब आप किसी से मिलते हैं पहला सवाल क्या पूछता है, आपने कहाँ से कहीं तक पढ़ाई करी है, पहला सवाल कोई आपसे पूछता है कि आपने UG कहाँ से करा है, आपने PG कहाँ से करा है। और जैसा आचार व्यवहार जैसे आप आगे जाएंगे और वैसे ही आपके महाविद्यालय की छवि बनेगी। तो ये छात्र तो हम कहते हैं कि कोई भी छात्र अपनी संस्था का ब्रांड एम्बेसडर होता है और वो एक बड़ा मैसेज संस्था के लिए कैरी करके जाता है। और आप लोगों की कभी कहले की शुरुआत है, आपने ज़्यादा छात्र UG के हैं, कई PG करेंगे, कई PhD करेंगे, एक लंबा सफ़र है। और जैसा कि इस महाविद्यालय की परंपरा रही है कि ना केवल शिक्षा उसके साथ संस्कार भी बराबर देता है, जो कि बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग पे जा रहे हैं और धीमे धीमे हम अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को कम करते जा रहे हैं, एक कंप्यूटर और एक रोबोट में ना कन्वर्ट हो, तो हमारे संस्कार हमारी सेंसिटिविटी ये चीज़ें बनी रहे। इसमें ये कॉलेज को मैंने जब भी मैं यहाँ कार्यक्रम में आई हूँ ये पार्ट मैंने देखा है, एक अच्छा रोल मॉडल है। और जो आपके गीत भी थे, आपके कई सारे गीत हैं, वो भी इस मैसेज को कन्वे करते हैं कि आपका सामाजिक दायित्व आपसे जुड़ा हुआ है, छात्रों को बार बार याद दिलाया जाए और छात्र इसका अनुपालन करें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और आप बहुत से स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज भी मैंने देखा चला रहे हैं, सिलाई है, कंप्यूटर है, इस तरह की ट्रेनिंग दे रहे हैं। विश्वविद्यालय ने कई बार महाराज जी से हम लोग की बात हुई, वो बार बार कहते हैं कि हमारे छात्रों में स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, उनकी बात को ध्यान रखते हुए हम लोग 64 स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हमारे पास होके आ रहे हैं, जो कि उनमें से जो महाविद्यालय चाहे उसको सर्टिफिकेट और 3 क्रेडिट के होंगे वो चला सकता है और छात्र उसमें रजिस्टर करेंगे। जब छात्र UG करेगा तो उसको उसके लिए एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट मिलेगा। और कुछ छात्र ऐसे जो यहाँ के विद्यार्थी नहीं हैं केवल सर्टिफिकेट कोर्स में भी अपने को रजिस्टर कर सकते हैं, वो डायरेक्टली आपके स्किल के डेवलपमेंट के या लोकल इंडस्ट्रीज को ध्यान रख के बनाए गए हैं कि पढ़ाई के साथ साथ आप में स्किल कैसे आए। देखिए बहुत सवाल उठता है, हम लोगों कल भी हम कई सारे बिजनेसमैन थे यहाँ के तो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा छात्र निकलते हैं लेकिन छात्र हमारे एम्प्लॉयबल नहीं है, डिग्री तो रखते हैं लेकिन एम्प्लॉयबल नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि हम लोगों का एक बड़ा उद्देश्य ये है, विश्वविद्यालय भी ये ध्यान दे रहा है कि जो छात्र निकले उनमें स्किल हो और वो नौकरी पाने के लायक हों, अपने को नौकरी पाने के लायक बनाएं, उस क्षेत्र में मेहनत करें और कुछ अपने को अलग एक आइडेंटिटी बनाएं। तो देखिए जब 5 लोग एक जॉब के लिए जाते हैं तो कंपनी कहती है 5 लोग दिए हैं, आप में ऐसा क्या अलग है जो आपको हम लें, वो आपको पहचानना होगा अपनी योग्यता को और औरों से हम कैसे अपने को अलग बनाएं। और महाविद्यालय तो बराबर ध्यान दे रहा है कल्चरल एक्टिविटीज़ पे, स्पोर्ट्स पे, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आपके डेवलपमेंट के लिए। और गोरखपुर क्षेत्र में स्पेशली मैंने देखा पूर्वांचल में छात्र छात्राओं में बहुत प्रतिभा, और जब उनको मौका मिलता है तो वो आसमान तक छू सकते हैं। ये यहाँ की, और जब मैं पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी में थी और हम लोग कोई कार्यक्रम करते थे तो कोई बच्चा जब बहुत सिंसियर होता था तो वो कहते थे पूर्वांचल से आया है, ये आपकी पहचान है इस तरह की आपकी रेपुटेशन है, इस रेपुटेशन के साथ में और
इस तरह की डेडिकेशन के साथ में तो आप कुछ भी पाना आपके लिए असंभव नहीं है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं विश्वविद्यालय को, महाविद्यालय को बहुत बहुत बधाई। और हम लोग तो विश्वविद्यालय की ओर से आप लोगों को हर तरह का जो सहयोग देके देने को तैयार हैं। दूसरी बात, हम हमेशा कहते हैं कि देखिए, महाविद्यालय तो एक कैंपस है, छात्र तो आप हमारे ही हैं, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के, ठीक है। तो हम तो कहते हैं कि आप हमारी लीगेसी कैरी कर रहे हैं, और महाविद्यालय कुछ छात्र हमारे कैंपस में पढ़ते हैं और बाकी छात्र हमारे अलग अलग महाविद्यालयों में पढ़ते हैं। अपने आप को उसके लायक सिद्ध करिएगा, आगे जाके कि हमारे विश्वविद्यालय का भी नाम रोशन करिए, जिस महाविद्यालय कैंपस में आपने पढ़ाई करी है उसका भी आप नाम रोशन करिए, और अपने परिवार को भी आप पे ऐसा करिए कि आप पे गर्व हो। तो साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। महाविद्यालय की छात्रा, yeah।